अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फिटफाट होंगे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आप देख रहे होंगे कि आज मैं अपने रूम में हूँ मैं आज किचन में नहीं हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने जा रही मैं आपके साथ आज मेरा जो तो व्लॉग है वो छोटा सा व्लॉग है आ, उसमें मैंने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाई हुई थी कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए प्रोडक्ट मंगवाई है मैंने ये एक छोटा ट्राईपोर्ट मंगवाया था मेरे पास एक बड़ा है एक छोटा ये कुछ इस तरह के मटेरियल में, में आया था इस तरह इसका ये पैकेजिंग है और उसके बाद इसके ऊपर ये एक बैग है इसका इसको आप उतारेंगे तो ये मैंने जॉइन किया हुआ है मतलब मैंने जोड़ के रखा हुआ है ये तो ये इस तरह से है ये कुकिंग की वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है छोटा सा मिनी ट्राईपोर्ड है ये आ, मतलब ये ज़्यादा छोटा नहीं है आप इसको यहाँ से ओपन करके इसको आप बिग भी कर सकते हैं लाइक दिस आप इसको बड़ा कर सकते हैं ये आ, बड़ा भी हो जाता है थोड़ा सा लेकिन ये इसकी ये वाली जो चीज़ है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है ये इतना वेट नहीं बर्दाश्त करती तो इसी इसको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसी तरह थोड़ी मतलब जब हमने ज़्यादा फोकस करना होता है एक ही चीज़ के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं एंड सेकेंडली ये यहाँ से भी ओपन हो जाता है अगर आप वहाँ से ना करना चाहें तो ये यह यहाँ से भी ओपन हो जाता है और काफ़ी इसकी जो चीज़ है वो है ये ये इसका लीवर है ये यहाँ पर आप लगाएंगे अपना मोबाइल इस जगह पर तो ये देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आपने लगाना है अपना मोबाइल इसके अंदर उसके बाद आपने इसके साथ उसको मूव करना है ये बैकवर्ड फॉरवर्ड और ये रोटेट में भी इसको मूव कर देता है ठीक है इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आपने इस तरह वीडियो शूट करनी है या एक ट्राईपोर्ट मेरा मिनी uh, ट्राईपोर्ट जो कि मैं यूज़ uh, करती हूँ कुकिंग की वीडियोस के लिए इसकी प्राइस आपको मैं बता दूँ कितनी की आया था ये कि सेवन थर्टी नाइन रुपीज़ में मुझे मिला है सेवन थर्टी नाइन डिलीवरी चार्जेस ये मिला है मुझे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने मंगवाई है आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो जो मैंने मंगवाई हैं अभी तक तेराज से ये मैंने इकट्ठी सब कुछ मंगवाया था अच्छा जी एक तो सबसे पहले ये है ये मैंने मंगवाया था एयरफोन मंगवाया थे लेकिन ये माइक ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे ही ज़्यादा हो जाती है इसको लगा के तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ मैं तो वैसे ही मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी लाउड है तो मेरा वॉल्यूम बिल्कुल ठीक हो जाता है मुझे इसके लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो वैसे भी ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और ये था भी आई थिंक साढ़े तीन सौ रुपये का मतलब सस्ता ही था ये काफ़ी इतना एक्सपेंसिव नहीं था उसके बाद जी मैंने एक ये मंगवाया है ये कार के लिए है गाड़ी में मोबाइल को आपने अगर लगाना हो वहाँ पर या किसी अपने मिरर पे लगाना है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं शेल्फ़ पे आपने कहीं भी इसको आ, करना है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं वैसे एक्चुअली में ये कार के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट है ये इसका मैं आपको बताती हूँ ये इस तरह से है कुछ ये देखें सबसे पहले तो ये है इसका ये पेपर उतर जाएगा और ये यहाँ से चिपकता है ये देखें ठीक है और ये सकुलेंट है यहाँ से मतलब आप इसको यूं करके लगाएंगे तो ये यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे ये ओपन होगी इसका अब आपने इसको यहाँ पे यूं लगा के किसी चीज़ पे आपने इसको बंद कर देना है तो ये सक कर लेगा हवा इसके अंदर चली जाएगी सक कर लेगा और ये बहुत अच्छी तरह Uh, मतलब चिपक जाएगा आपके डैशबोर्ड पे या किसी भी चीज़ पे आपने इसको चिपकाना हो उसके बाद ये हमारे पास है ये ये आपने स्टैंड है मोबाइल के लिए यहाँ पे आपने अपना मोबाइल अटैच करना है ये मोबाइल अटैच करना और आपने इसको ऐसे सक कर देना है अपने डैशबोर्ड पे अपने मिरर पे स्क्रीन पे कहीं पे भी तो ये uh, और ये मूवेबल है ठीक है ये देखें ये यूँ बहुत ही मज़े का लगा है बहुत ही यूज़फुल है अभी मैंने यूज़ नहीं किया अपनी गाड़ी में तो जब मैं कहीं जाऊँगी तो फिर मैं अगर मुझे मोबाइल की ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी और ये इसकी ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़बरदस्त है जितने मैंने ट्राईपोर्ट्स मंगवाए सबसे बेस्ट है ये यहाँ पर ये रबड़ लगी हुई है मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये ये हो गया ये इसके साथ एक्स्ट्रा दिया हुआ है अगर आपका ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप इसको लगा सकते हैं ठीक है एक ये चीज़ हो गई मेरी उसके बाद है जी मेरा ये ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे देखने में इतना बिग लग रहा था लेकिन जब मैंने मंगवाया तो मुझे इसको देख के भी हंसी नहीं रुक रही थी कि ये इतना छोटू सा है लेकिन ये बहुत ही मज़े का है और मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि ममा इट्स टॉय तो ये बिल्कुल टॉय लगता है ये इस तरह है कि आप इस तरह मोबाइल करके जब आपने अपने फ्रंट फ्रंट कैमरा से आपने शूट करना हो तो आप इस तरह शूट कर सकते हैं इसी तरह इसका भी है आपने इसमें मोबाइल अटैच कर लेना है और इस तरह ये जो इसका स्क्र्यू uh, है ये है इसको मूव करने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट ठीक है ये भी हर तरफ मूव हो जाता है और आप इसको टाइट करके एक जगह पे स्क्योर भी कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात इसकी है इसकी ये जो लेग्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं ये आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ लाइक अगर आपने अपना मोबाइल ऐसे कहीं बालकनी पे आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी तो आपने अपना मोबाइल यूं अटैच कर दिया है यूँ तो आपने इसकी लेग्स के साथ इसको यू सिक्योर कर लेना है ये बहुत ही मज़े का चिपक जाता है ये देखें <laughs> ये बहुत ही मज़े का है तो ये यूँ चिपक जाता है और ये इस तरह से पकड़ लेता है इसकी अच्छी है ये चीज़ एक ये मैंने मंगवाया था ये तो होगी मेरी मोबाइल मेरी वीडियोस से रिलेटेड चीजें जो मैंने मंगवाई थी उसके अलावा जो मैंने ये सब कुछ मैंने दराज से मंगवाया उसके अलावा जो मैंने मंगवाया है जी वो मैंने आ, किसी एक और पेज से मंगवाया है उनका नाम है उस पेज का होम होम होमेजिंग के नेम से है ये पेज वहाँ से मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं मैं आपको दिखाती हूँ क्या है सबसे पहले तो ये मैंने टच लाइट्स मंगवाई थी जो कि बहुत ही नाजुक है ये मैंने तीन मंगवाई थी एक अभी मेरी बंद है ये देखें कि इस तरह इसमें फ़ोल्ड हो के आई थी तो एक मेरी ये बंद है और ये मैंने एक में सेल डाल लिए हुए हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है डबल टेप है आपने इसको यहाँ से चिपका देना लेकिन इसकी जो है ना इतना अच्छा नहीं है इतना ये चिपकता नहीं है एंड सेकेंडली ये इतनी नाजुक है ये एक दफ़ा नीचे गिरी है और ये देखें ये यहाँ से टूट चुकी है ठीक हो गया अच्छा जी अब इसको आपने इसमें सेल डलते हैं तीन मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ ये देखें ये तीन सेल डले हुए मैं इसमें इस तरह हमने इसको लॉक कर लेना है और ये देखें ये ऐसे प्रेस हो के ये चलती है कि आप कहीं पे भी आपके कबर्स वगैरह में आपके आ, कहीं पे भी जहाँ पे आपकी ग्रॉसरी पड़ी हो या कपड़े अलमारी में या शूज़ रैक जो नीचे होते हैं आपने बैग्स रखे होते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको आ, लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ पे कमरे की लाइट नहीं जाती तो आप वहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं उसके अलावा मैंने एक ये मंगवाया था टैब के आगे लगाने के लिए ये इस बिग हो जाता है और ये शॉवर है मिनी शॉवर जैसे पानी मतलब गिरता है ना आपके कपड़ों पर भी गिरता है तो इस तरह ये पानी नहीं गिरेगा ये बहुत अच्छा है तो लाइट यहाँ पे ऑफ हो चुकी हुई है और मेरी प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं अच्छा जी उसके अलावा मैंने ये वॉल स्टिकर्स मंगवाए थे किचन के लिए तो मैं अब किचन में लगाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही मज़े के कलर्स हैं तो ये सारी चीज़ें ये और ये लाइट्स और ये ये तीन चीज़ें मुझे ट्वेल्व में मिली हैं मतलब इनकी ऑफ लगा हुआ था तो इसलिए मुझे ये इतनी सस्ती मिली है अच्छा ये सारी चीज़ें होगी ऑनलाइन जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं इसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया ये आ, एक शॉप है यहाँ पर हमारे सिटी में जहाँ से मैं लेती हूँ प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करती हूँ तो ये उन्होंने मुझे आ, दिया था कि आप ये यूज़ करें और इसका रिव्यू दीजिएगा कि ये बहुत अच्छा अनियन शैम्पू है तो मैं इस ब्रांड की कोई प्रमोशन नहीं कर रही लेकिन जस्ट मैं आपको सिर्फ वेरी ऑनेस्टली मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके बाल गिरते हैं आपके बाल बालों का को कोई भी इशू है लाइक डैमेज हैं आपके बाल आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है आपके बाल हेल्दी नहीं है तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही बेस्ट शैम्पू है और इसकी प्राइस थी फोर फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी आई थिंक आई थिंक थी लेकिन ये उन्होंने मुझे दिया था तो मुझे एक्चुअल नहीं पता लेकिन आप फोर फिफ्टी के अराउंड अबाउट ही है ठीक है तो ये इसका रिव्यू मैंने आपसे शेयर करना था कि ये बहुत ज़्यादा जिन सिस्टर्स के फॉल है या कोई भी प्रॉब्लम है ये यूज़ करें क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल था तो मैंने अपनी वीडियोस में एक ऑयल बनाना बताया है वो भी अनियन के साथ ही बनता है तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों वो यूज़ कर रहे हैं ऑयल वीक में वन टाइम हम यूज़ करते हैं और साथ में हम लोग ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स हैं हमारा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं शैम्पू और ये रिकमेंडेड है बहुत अच्छा है और इसके साथ आप वो वाला ऑयल बना लीजिएगा जो कि मैंने आपको बताया हुआ अपनी वीडियो में उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मुझे बताइएगा कोई मुझे आ, अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अल्लाह हाफिज़